हाँ भाई, जय श्री अलसी। क्या हाल चाल है जितेंद्र सर? चालू करते हैं बिल्कुल प्रोग्राम को। तो बच्चों का इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन। अब चालू होने जा रहा है। इसमें आपको जो है 6 टॉपिक में 3 पोर्शन करवाएंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद अगला पोर्शन आएगा एनिमल फिजियोलॉजी सेकेंड वाला पार्ट। ये फर्स्ट वाला पार्ट चलेगा जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, इन तीनों की अपन बात करते हैं। आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर को 9:30 बजे ये वीडियो आपको मिल रहा है। बायोलॉजी का 15/90 रहेगा। गुरु नीति अपने आप में एक श्रेष्ठतम अल्टीमेट मैटर जो एचएलसी के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जैसा हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि यतेंद्र सर अगर बाबा ने चाहा तो नीट 2021 का पेपर इस गुरु नीति से बाहर नहीं होगा। बिल्कुल, ये आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के गुरु नीति वीडियो जो हैं, ये टोटल 180 वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट एनसीईआरटी 11th और 12th की आपके सामने जो है वो रख देंगे। और आपको पता है नीट का पेपर जो है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी में से ही बनना है। इधर जेई के बच्चों के लिए भी एक खुशखबरी रही थी, कल से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके कोई छोटे भाई बहन हैं जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गुरु नीति फॉर जेई वो भी जो है चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो बिना किसी विलंब किए बढ़ते हैं। आइए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन जो फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट है उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, सम एनिमल री एंगल्फ देयर फेकल मैटर, अपने ही फेकल मैटर को खा जाते हैं। दिस हैबिट इज नोन एज, ये हैबिट क्या कहलाती है? तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, डायरेक्टली वही याद रखनी है, कौन सी हो जाएगी? कोप्रोफेगी कहलाएगी। क्योंकि एक्चुअली सुनील जी, कुछ एनिमल जैसे रैबिट की हम लोग बात करें ना, बिल्कुल, तो उनमें जो सिकम वाला पार्ट है जी जी, तो वहां पे जो है बैक्टीरिया की हेल्प से जो सेलुलोज वगैरह अदर प्रोडक्ट को कैटाबोलाइज किया जाता है, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएटिव फॉर्म में बदल जाता है। ओके, और फिर जब वो फेकल मैटर के थ्रू बाहर आता है तो उसके अंदर सिंपल न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो एनिमल उसको रीगल्फ करते हैं, वापस उसको इंटेक करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वापस उनको खाते हैं। बिल्कुल, तो फेकल मैटर से भी अगेन न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए ये हैबिट जो है दर्शाई जाती है इन एनिमल्स के द्वारा। जो जैसे रूमिनेंट्स हैं ना, जुगाली करने वाले, हाँ, जुगाली करने वाले, उनमें कंपाउंड स्टमक होता है, हाँ, और उनके रूमेन वगैरह के अंदर वही ऊपरी बैक्टीरिया होता है। बिल्कुल, कंपाउंड स्टमक जिसमें एक से ज्यादा चैंबर्स होते हैं। हाँ, हमारा सिंपल है ना। जी जी जी, तो सुनील जी, उनमें जैसे वो अपना फूड इंटेक करते हैं तो पहले स्टोर कर लेते हैं, ओके, और वहाँ स्टमक में कुछ चैंबर होते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ की हेल्प से उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है, तो वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया और वो फिर इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, तो वो एब्जॉर्ब हो गए, तो उनको वापस खाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको जरूरत नहीं पड़ी वापस। और जैसे रैबिट वगैरह जो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं उनमें वो बैक्टीरिया स्टमक के पास में ना होकर लास्ट में होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। हाँ बिल्कुल, तो सिंपल फॉर्म में चेंज हुए तो वो फिर बॉडी के बाहर गए, इसलिए उनको वापस उनको। और एक्चुअल में ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है सिकम वहां पर देखा जाता है। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल में ये बैक्टीरिया सिकम पार्ट में प्रेजेंट हो जाएंगे। इसमें कुछ अदर टर्मिनोलॉजी और दी गई है, वही बच्चों को बता देते हैं। ओमनीवोरिज्म की बात की गई है, सब कुछ खाने वाला, ठीक है, हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, सब कुछ खाने वाले एनिमल ओमनीवोरस कहलाते हैं। एक सेप्रोफेगी वर्ड दिया है, इस सेप्रोफेगी वर्ड का यतेंद्र जी मतलब बच्चों को बता देते हैं अपन, कि वो एनिमल जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को जो है वो ऑब्टेन करते हैं, डिकम्पोजर्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सेप्रोफेगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। यहाँ पर ये जो सेप्रोफेगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डिकम्पोजर दर्शा रहे हैं, वहां ऐसा ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को लिया जाता है, एक एनिमल डेट्रिटिवोर्स भी बनते हैं, कह सकते हैं अर्थवर्म। बिल्कुल, डेट्रिटिवोर्स अर्थवर्म, लेकिन इन दोनों में मैं थोड़ा सा अंतर आपको बता दूं। सेप्रोफेगी जो है ये मोटिलिटी शो नहीं करता है, अपनी एक जगह पे रहते हुए ही डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, जबकि जो डेट्रिटिवोर्स एनिमल होंगे वो मोबाइल कहलाते हैं, वो मोटिलिटी शो करते हैं न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। तो ये सेप्रोफेगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाने वाले एनिमल किस प्रकार के हो जाएंगे? सेसाइल कहलाएंगे, इनमें मोटिलिटी नहीं पाई जाएगी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां से हो जाएगा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और कैसे होते हैं? सेसाइल एनिमल होते हैं,
सेल एनिमल के द्वारा शो ऐसा किया जाता है, जबकि डेटेटिव वर्ड्स जो है वो मोडाइल मोडेलिटी शो करने वाले एनिमल के द्वारा। तो बढ़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये हो गया सेमी पैरासिटिज्म, इसमें पैरासाइट भी है और इसके एडिशन में न्यूट्रिशन ऑब्टेंड और कहां से कर सकता है ये पैरासिटिज्म के अलावा, मतलब कंप्लीटली मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट नहीं है, ठीक है, उसके अलावा भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेनिंग के मेथड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, जी सर, स्फिंक्टर व्हिच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस, की जो इसोफेगस है स्टमक के जिस पार्ट में ओपन हो रहा है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर है और एक स्फिंक्टर यहाँ पे आगे अपन स्टमक की बात भी करेंगे, ठीक है, कि ये फंडिक पार्ट है, फिर ये जो है कार्डिक पार्ट है, कार्डिक पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट है और ये पाइलोरिक पार्ट है, बिल्कुल, है ना। तो ये वाला जो स्फिंक्टर सुनील जी है इसको इसोफेगल कार्डियो इसोफेगल स्फिंक्टर भी इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, या गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर भी इसको कहा गया है, दोनों दोनों वर्ड काम में लिए जा सकते हैं। हाँ, और ये बाई डायरेक्शनल, मतलब फूड ऊपर से यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ से कंटेंट इसका वापस ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं, वॉमिटिंग की प्रोसेस होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ना। तो नॉर्मली अगर अपन देखें तो यहाँ के कंटेंट को वापस ऊपर जो फ्लो हो रहा है उसको ये प्रिवेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये वाला जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये यूनिडायरेक्शनल है, एक बार अगर कंटेंट कायम जिसको बोलते हैं वो ड्यूडिनम में चला गया तो वापस ऊपर की तरफ वो नहीं आता, ठीक है, है ना। तो यही इसमें पूछा जा रहा है, स्फिंक्टर व्हिच प्रिवेंट बैकफ्लो फूड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस, तो हमारा इसके अंदर हो जाएगा कि जो इसके आपके कार्डियक पार्ट में जो, बिल्कुल कार्डियक, तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा, कार्डियक, ठीक है। तो स्फिंक्टर का नाम बताना है, वो स्फिंक्टर कौन सा हो गया अपना, कार्डियक कहला गया। यहाँ यतेंद्र जी एक वर्ड काम में आता है, हर्ट बर्न, वही बच्चों को बता देते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक वर्ड है हर्ट बर्न, इसको मिटा देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, तो दिखने से तो जितेंद्र जी लग रहा है दिल जलता है, बच्चे इसको बोलते हैं, बोले दिल जलता है, अरे बावड़ों दिल वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं जलता है, वो दिल इसलिए जलता है कि बर्निंग सेंसेशन कहाँ आती है, थोरेसिक जो कैविटी है इसके मिडिल पोर्शन की ओर बर्निंग सेंसेशन अपने को ऑब्टेंड होता है, और फील करने वाले को ये लगता है कि हर्ट की बर्निंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो हर्ट की बर्निंग नहीं है, ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो जितेंद्र सर ने बताया था, इसके फेल हो जाने के कारण, इसमें कुछ ही डैमेज हो जाने के कारण जो एसिडिक कंटेंट है वो एसिडिक कंटेंट मूव कर जाता है इसोफेगस में, और उसकी वजह से जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जो एसिड है वो म्यूकोसा के कांटेक्ट में आता है, तो बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, इसोफेगस है वो बिल्कुल थोरेसिस जो कैविटी है उसके सेंटर से जाता है, ठीक है, और वो जो आपका जो हर्ट है उसके पीछे की तरफ से, बिल्कुल, इसीलिए लगता है कि हर्ट जल रहा है, तो वो हृदय नहीं जलता है, वो इसी को ही कुछ बच्चे जो थोड़े से ज्यादा एडवांस टाइप के होते हैं वो कहते हैं दिल जल रहा है, दिल तो दिल बिल भैया कुछ नहीं जलता है, एक्चुअल में बर्निंग है किसकी, म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस की बर्निंग ये कहलाती है, ठीक है। और इसके अलावा पाइलोरिक, पाइलोरिक तो ये वाला बता ही दिया सर ने, फंडिक, फंडिक एक रीजन है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन जितेंद्र सर ये भी बनता है कि स्टमक का वो कौन सा पार्ट है जिसमें गैसेज भरी रहती है, तो स्टमक का फंडिक वो रीजन है जहाँ पर गैसेज जो है वो फिलअप रहती है, एक इलियोसिकल वॉल्व भी प्रेजेंट, वो आगे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, सिकम, सिकम के बीच में, बिल्कुल, तो इलियम जहाँ सिकम में खुलेगी उस जंक्शन पॉइंट पर इलियोसिकल वॉल जो है, फिर तो ऐसे कह सकते हैं कि ना लार्ज इंटेस्टाइन से कंटेंट को वापस स्मॉल में जाने से कौन रोकता है, इलियोसिकल वॉल, बहुत ही अच्छा एक एडिशनल क्वेश्चन बन गया कि लार्ज इंटेस्टाइन से बैकफ्लो ऑफ जो फिकल मैटर, एक्चुअल में वो फिकल मैटर बन ही गया वहां पर, और एक और कि स्टमक से काइम का ड्यूडेनम में जाने को कौन कंट्रोल करता है, तो फिर पाइलोरिक हो जाएगा, तो फिर वो पाइलोरिक चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ एक एडिशनल पार्ट भी यहाँ पर बनते हैं, एक बार जो कोई रिपीटेड बच्चा अगर इसको देख रहा है जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, हमने स्टमक के चार पार्ट यहाँ पर बताए हैं, वहां पर स्टमक के तीन ही पार्ट बताए, अब अपडेट हो गए, हाँ अब चार याद है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कार्डियक हो गया, फंडिक हो गया, बॉडी हो गया, पाइलोरिक हो गया, सबसे बड़ा पोर्शन अगर पूछ ले स्टमक का तो वो कौन सा हो जाएगा, बॉडी वाला, बॉडी वाला, ये वाला पार्ट सबसे मेन पार्ट कहलाता है इसका, जैसे हाँ जैसे ये अभी एक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन भी आएगा बता भी देंगे, तो चले आगे, ठीक ठीक, काफी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन आर डिफरिंग, तो ट्रिप्सिन तो स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में हो गया और एक्चुअल में ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन और जल की फॉर्म में, और ये पैनक्रियाटिक जूस का कंटेंट कहलाता है ये,
और आप सभी को पता है ड्यूडेनल पार्ट में सीक्रेट होने वाला जो पेनक्रियाटिक जूस का पेनक्रियाटिक जूस जो आकर रिलीज हो रहा है वो बेसिक पीएच में वर्क करता है, बेसिक पीएच, जबकि पेप्सिन जो है वो स्टमक रीजन में सीक्रेट हो रहा है और पेप्सिनोजन की फॉर्म में आएगा, HCl की प्रेजेंस में वो एक्टिव फॉर्म में बदलेगा और एसिडिक पीएच वो एसिडिक पीएच पर काम करेगा। तो बाकी कॉमन क्या है दोनों में कि दोनों ही प्रोटीनेज नेचर के, हाँ बिल्कुल, और दोनों ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक ये दोनों में कॉमन है बिल्कुल। अलग क्या है कि आज जैसा आपने बताया कि दोनों डिफरेंट पीएच पे काम कर, बिल्कुल बिल्कुल, एक एसिडिक पे और एक बेसिक, और प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाला या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्या कहलाते हैं प्रोटियोलाइटिक। तो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन डिफर पूछा है, तो डिफर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन एक्ट इन एसिडिक नो बेसिक, पेप्सिन एक्ट इन एसिडिक स्टमक रीजन में ठीक है, बट ट्रिप्सिन एक्ट इन एल्केलाइन मीडियम बिल्कुल, ये करेक्ट ही पूछा है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, ठीक है। बाकी के भी आप देख रहे हैं, पेप्सिन एक्ट ओवर प्योर प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम बट नॉट ट्रिप्सिन, नहीं ट्रिप्सिन भी प्योर प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, कुछ प्योर प्रोटीन के ऊपर स्टमक में भी एक्शन हो जाती है जिसकी वजह से पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेन ये बन जाता है, मतलब कह सकते हैं कि प्रोटीन का जो पार्शियल डाइजेशन वो स्टार्ट हो जाता है स्टमक से, स्टमक रीजन में, बिल्कुल ठीक बात है। बोथ फंक्शन एट सिमिलर पीएच, सिमिलर क्यों, एक एसिडिक है और एक बेसिक है, एसिडिक कौन सा है पेप्सिन, बेसिक कौन सा है ट्रिप्सिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, जी क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट इंटेस्टाइन व्हिच इज दैट प्रेजेंट, अच्छा सॉरी सॉरी, स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन व्हिच इज एब्सेंट इन स्टमक, ठीक है, स्टमक के अंदर मतलब इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है जो स्टमक में नहीं है, स्टमक में नहीं है। तो जैसे यहाँ पर अपन देखें कि अगर पूरी एलिमेंट्री केनाल का क्रॉस सेक्शन ले तो उसमें सबसे बाहर सीरोसा है, सीरोसा है, फिर अंदर मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा, तो ये तो सब जगह है, और फिर ल्यूमन आ जाएगा, जी जी जी, फिर ल्यूमन, बाकी ना ये है कि मस्कुलेरिस वाले पार्ट में कुछ डिफरेंस है कि स्टमक में एडिशनल ऑब्लिक मसल, ऑब्लिक सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के अलावा। और यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और भी बच्चों को दे देते हैं कि मोस्ट डेवलप्ड अगर मस्कुलेरिस पूछ लिया जाए तो स्टमक वाला, तो स्टमक वाला हो जाएगा क्योंकि वहाँ सर्कुलर होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, ओब्लिक मसल भी पाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सिरोसा दोनों में है, ओके, सब म्यूकोसा दोनों में, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी दोनों जगह ही, दोनों जगह ही एंजाइम बना रही है, लेकिन विलाई जो है वो केवल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, इंटेस्टाइन वाला, ठीक है। विलाई जो है उसी की तरह स्टमक की अगर बात करें तो वहां पर जो है अलग टाइप की स्ट्रक्चर है जिनको अगर हम लोग फोल्ड की फॉर्म में देखें तो रग्गा है, बोला गया है गैस्ट्रिक रगी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो डेवलप्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहां भी होंगे और ये थोड़े से बड़े होते हैं विलाई से, इनको डेवलप्ड गैस्ट्रिक रगी के नाम से जाना जाता है जो स्टमक पे पाई जाती हैं, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इंटेस्टाइनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं ये क्या कहलाती हैं, विलाई कहलाती हैं। और फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। बाकी ये कब दिखाई देंगे स्टमक में, जब वो खाली हो, जब एम्प्टी होगा, बिल्कुल ठीक बात है, फुल हो जाएगा तब ये डिसअपीयर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, विलाई चला जाता है, इंटेस्टाइन में लेकिन स्टमक में नहीं, स्टमक में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, एथलीट अपटेक विच सब्सटेंस फॉर द इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी चाहिए, और तुरंत एनर्जी, वो एक गांगुली का ऐड भी आया करता था पहले, बोले ग्लूकोन डी तुरंत एनर्जी केवल किससे प्राप्त हो सकती है, ग्लूकोन डी से, तो इंटेक किया और तुरंत एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म सैकेराइड की कौन सी कहलाती है, ग्लूकोज कहलाती है, यूनिवर्सल फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है, वेरी गुड। तो चले आंसर कौन सा चला गया, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दी बेस्ट डेवलप्ड मस्कुलेरिस म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री के नाम है ना, तो जैसा कि अभी आपने बच्चों को बताया था, ठीक है, स्टमक जो है वहाँ पे बेस्ट डेवलप है, वहाँ पर टर्निंग मूवमेंट भी करवानी है, मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं, तो इसके लिए स्टमक बच्चे याद रखते हैं, बिल्कुल। तो कौन सा चला जाएगा, बेस्ट डेवलप कौन सी हो जाएगी, स्टमक हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मैं एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू बता देता हूँ, ये अपनी बाहर वाली लेयर हो जाएगी, जितेंद्र सर कौन सी, सिरोसा के बाहर अपनी आ जाएगी, मतलब सिरोसा के अंदर की तरफ ना, हाँ अंदर की तरफ आ जाएगी अपनी मस्कुलेरिस, लेकिन मस्कुलेरिस के दो पार्ट देखने को मिलेंगे अपने, जी जी जी। बाहर वाला तो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल मसल वाला लेयर, क्यों जितेंद्र सर जी, और अंदर वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, वो सर्कुलर मसल लेयर इस प्रकार से पाई जाएंगी, ठीक है। अब इसी को ही मैं अगर डिवाइड कर दूं किस रूप में, कि ये स्टमक पार्ट है,
और इसके ये इधर वाला इंटेस्टाइन रीजन हो जाएगा। तो इंटेस्टाइनल रीजन में तो केवल मस्कुलरिस में यही मिलेगा, लेकिन जो स्टमक वाला पार्ट है, ये स्टमक की मैं बात कर रहा हूं, स्टमक वाले पार्ट में जो सर्कुलर है उसके भी अंदर की ओर क्या पाई जाती है, ऑब्लिक मसल लेयर और प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट डेवलप्ड मस्कुलरिस कहां पर हो जाती है, स्टमक रीजन। क्यों चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टमक इज कॉल्ड, अभी यतिंद्र सर ने एक खूबसूरत सा डायग्राम आपके सामने बनाया था और फिर से एक बार बना देते हैं आपके सामने, ये बॉडी पार्ट हो गया और नैरो डिस्टल पार्ट पूछा है, डिस्टल मतलब दूर पीछे वाला या दूर वाला। तो स्टार्टिंग कहां से थी, माउथ से चले थे, फिर इसोफेगस आया था, तो दूर वाला स्टमक का कौन सा कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा, और इस वाले पार्ट को अपने क्या बोला था, पाइलोरिक पार्ट। क्यों, यहाँ पर ग्लैंडुलर पार्ट नहीं है, मतलब ग्लैंड्स नहीं है जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह बने, बाकी जो फंडस है और बॉडी वाला पार्ट उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नैरो डिस्टल एंड कौन सा बन जाएगा, पाइलोरिक, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, HCl is for pepsinogen, मतलब कह रहा है कि ना जो स्टमक है उसमें zymogen pepsinogen inactive enzyme, ठीक है, को एक्टिव करने में HCl involved है। Okay. HCl pepsinogen को pepsin में चेंज कर देते हैं। तो उसी तरीके से फिर enterokinase किसके लिए, enterokinase सुनील जी, duodenum wall small, small intestine में या duodenum में cells के साथ membrane bound enzyme है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन इज ए मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, तो ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी एंजाइम फ्री होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जो है वो पैनक्रियाटिक जूस से आने वाले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करते, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, वो ट्रिप्सिन फिर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में चेंज करते हैं, तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ये वाला जो है वो रिलेटेड हो जाएगा किसी ट्रिप्सिनोजन से, ट्रिप्सिनोजन से, ठीक है। तो पेप्सिनोजन के ऊपर जैसी एक्शन हुई HCl की, उसी प्रकार ये पूछ रहे हैं कि एंटेरोकाइनेज किसके ऊपर एक्ट करेगा, तो किसको एक्टिवेट करेगा वो, तो वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा। क्यों जी, और यतिंद्र सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम अगर पूछे तो वो कौन सा कहलाएगा, एंटेरोकाइनेज ड्यूडेनल रीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, तो लैक्टोज किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, ये आपको इंफॉर्मेटिव रूप से याद रखना ही पड़ेगा, डाइसेक्राइड है, हाँ, डाइसेक्राइड फॉर्म है, और इन डाइसेक्राइड का डाइजेशन डाइसेक्राइडाइजेज करते हैं जो कि सकस एंटेरिकस का पार्ट है, मतलब है फिर इसके डाइजेशन के लैक्टेज इन्वॉल्व है, बिल्कुल, क्योंकि डाइसेक्राइड जैसा होगा वैसे ही एंजाइम का नाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डाइसेक्राइड अगर माल्टोज है तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, माल्टेज। तो ये जितने भी डाइसेक्राइडेजेज हैं ये किसका पार्ट, सकस एंटेरिकस का, एंड व्हाट इज सकस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस इज नोन एज सकस एंटेरिकस। क्यों, और बच्चों को एडिशनली बताते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये किससे ऑब्टेंड हुआ था, मतलब माल्टोज, ये माल्टोज से। तो डाइसेक्राइड शुगर कौन सी थी, वो माल्टोज से ऑब्टेंड, दो यूनिट कौन सी कहलाती है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये किससे हो जाएगा अपना, ये सुक्रोज से, ये अपना सुक्रोज से ऑब्टेंड होने वाला कहलाता है, फ्रक्टोज प्लस ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। तो ये जो तीनों ही चीजें हैं ये एनसीईआरटी की ही रिएक्शन में दिए दे रखी हैं, डाइजेस्टिव रिएक्शन के दौरान इनको दिखा रहा है, लैक्टोज जो मिल्क शुगर है जो मिल्क में होती है, हाँ, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में आप याद रख लें, ये जो लैक्टोज की बात की है इन्होंने, जिससे डाइजेशन से, लैक्टेज के डाइजेशन से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज अपने को ऑब्टेंड होता है, ये एक मिल्क शुगर कहलाती है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, ये याद रख लो, ये तो सर माल, माल क्या, माल तो ग्लूकोज, और ज्यादा माल कौन सा होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो माल कौन सा हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और ऐसे ही इसको फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है, और वहां पर सुक्रोज के रूप में देखा जाता है, तो इसको इस प्रकार याद कर लें, बाकी का बचा कौन, लैक्टोज। तो जहां भी कंफ्यूजन होता है ना इन चीजों में, उनको किसी ना किसी ट्रिक के थ्रू उससे ये रिलेट करके अपना जो भी है बना के याद रखो, हाँ, क्योंकि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है एक्चुअल में, और जैसा मैंने इनको पहले भी बताया था, माइनर पेपर में तो ये सिली होती है और ये नीट के एग्जाम में फिर सिल्ला बन जाता है। चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जी सर, इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एज कम्पेयर टू कार्निवोरस, कार्निवोरस जो होते हैं सुनील जी वो मीट वगैरह इंटेक करते हैं ना, ठीक है, और मीट मतलब एनिमल टिश्यू का डाइजेशन काफी सिंपल होता है, बिल्कुल, एनिमल टिश्यू में जो है सेल्स का ईसीएफ के साथ कनेक्शन होता है, ओके, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, प्लांट सेल की तरह कोई मिडल लैमेला नहीं है, ठीक है, सेल वॉल नहीं है, ओके, तो कंपेयर टू प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू का डाइजेशन इजी है, ठीक बात,
और अगर डाइजेशन इजी है तो फिर उस एनिमल को इंटेस्टाइन की लेंथ को उस एनिमल में इंटेस्टाइन की लेंथ का लंबा होने की जरूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हर्बीवोर्स एनिमल के केस में लेंथ लंबी होना जरूरी है। और हाँ, हर्बीवोर्स जो होते हैं जो प्लांट टिश्यू को इंटेक कर रहे हैं जैसे गाय वगैरह, बिल्कुल, तो उसमें प्लांट टिश्यू काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेलुलोज में भी हाँ टाइम लगता है, उसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन होते हैं, तो टाइम टेकिंग होता है उनका डाइजेशन का प्रोसेस, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। बिल्कुल ठीक बात है, हर्बीवोर्स में लंबी है और कार्निवोरस में छोटी, शॉर्टर इंटेस्टाइन कहलाती है। तो रीजन क्या हो जाएगा इंटेस्टाइन और हर्बीवोर्स एज कंपेयर टू कार्निवोरस, किस प्रकार की कहलाएगी? हर्बीवोरस में सेलुलोज का डाइजेशन होना है, मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस कहलाएगा, तो लॉन्गर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 11। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जानते हैं भैया सबसे पहली प्राथमिकता रोटी ही कहलाती है, वो मूवी भी है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा, तो ये प्राइमरी नीड्स कहलाती है, तो उसमें रोटी को पहले ही रखा है, हाँ उसमें रोटी को, तो फूड जो है वो प्राइमरी और बेसिक रिक्वायरमेंट बनती है। मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और ऐसे ही एनसीईआरटी की लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, ये स्मॉल कंटेंट में पाए जाते हैं, क्योंकि मेजर मतलब जिनसे एनर्जी मिले, जिनसे एनर्जी ऑब्टेंड हो, तो कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये चला जाएगा। ठीक है, पहले पेट दूसरा फिर काम दूसरा, बिल्कुल ठीक बात है। तो विटामिन एंड मिनरल्स ये स्मॉल अमाउंट में हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हॉर्मोन्स जो है ये प्रेजेंट ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 जी सर। फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर जो वाटर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी प्रेजेंस का होना, क्योंकि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो एक्वेटिक मीडियम में ही होती है, मतलब इसका मतलब है कि वहां पर वाटर की प्रेजेंस हो, क्योंकि उस रिएक्शन को होने के लिए पहले कंटेंट्स को वाटर में डिजोल्व होना पड़ता है, और एंजाइम तभी वर्क कर पाते हैं जब वहां पर वाटर हो, बिल्कुल है ना। और इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसमें भी वाटर इन्वॉल्व है, बिना वाटर की प्रेजेंस के एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अच्छा, डाइजेशन की बात अभी मैंने की, तो हमारे अंदर जो फूड डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, बिल्कुल। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है उनको बायो मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर की नीड होती है, बिल्कुल। तो केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जहां होती है वो एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, तो ये एक डेफिनेशन बन जाती है अपनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की। जी सर, तो इसीलिए जो यहां पर बोला गया कि द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, तो एक तो है वो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकेगा, सही बात है। टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस में यहां पर एंजाइमेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक, तो दोनों भी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल। तो फूड डाइजेशन कैटाबॉलिज्म है, वहां पे एंजाइम को वाटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो ये वाला भी इसमें हो गया, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो फूड होगा वो फूड प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो वाटर का रोल नहीं है एनर्जी में, जो न्यूट्रिएंट्स अभी अपन ने देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो है ये मेजर कंपोनेंट कहलाते हैं फूड के, तो सी नहीं होगा, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएंगे, ए और बी है ना, हाँ ए एंड बी, ए एंड बी ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। अरे ओके भाई, चले आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। ए प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू, तो भैया ये तो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, क्यों ये सर? जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। Each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is known as thecodont. Thecodont. बिल्कुल। तो ये dentition कैसे कहलाएगा? ये thecodont कहलाएगा। आपको पहले बताया था thecodont, pleurodont और acrodont. Acrodont. बिल्कुल। An adult human has 32 permanent teeth, which are of 4 different types. 4 अलग-अलग प्रकार के, incisor, canine, premolar and molar. और इस प्रकार का dentition जो है, ये heterodont dentition कहलाता है। तो C के जगह क्या आ जाएगा? उनको तो ये किस प्रकार का डेंटिशन? डायफायरोडोंट कहलाएगा। और जो केवल एक ही बार आए वो मोनोफायरोडोंट, और जो बहुत बार आए वो ओली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिन सर मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं टीचर हूँ, आप बच्चे हो, मैं सवाल पूछ रहा था, आप जवाब दे रहे। वैसे अल्टीमेटली हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, किसी भी प्रकार पहुंचा दो आपके पास, और इसका पर्पस यही है कि इंटरेक्ट होकर के आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन, नो डाउट, ठीक है। तो ये दिन सर ए की जगह फूड आना चाहिए, ए की जगह फूड मतलब
ये ठीक है लेकिन ये विटामिन तो गलत हो गया। बी की जगह क्या आना चाहिए? थेकोडोंट। तो बी हेट्रोडोंट, गलत बात। बी हेट्रोडोंट, गलत बात। बी थेकोडोंट, बी में थेकोडोंट ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हेट्रो आ गए, उसमें यहाँ पर क्या दे दिया? हेट्रो। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ये चला जाएगा। क्रॉस चेक कर लो, सी की जगह हेट्रो है क्या? बिल्कुल है। डी की जगह देखो क्या है? डाइफायो है क्या? ये डी की जगह डाइफायोडोन। तो हमने यहाँ आपसे मिस्टेक हो इसके लिए ए बी सी डी सीक्वेंस में नहीं दिया है, बच्चा कई बार जल्दबाजी कर देता है। ये जो ऑर्डर है वो तो ये ऑर्डर हमने अलग अलग कर दिया है इसका। तो आंसर कौन सा लगा? ए में फूड हो गया बिल्कुल, और सी जो है उसमें हेटेरो हो गया, हेटेरो हो गया। डी जो है उसमें डाइफायोडोंट हो गया, और बी जो है उसमें थेकोडोंट हो गया। ठीक है, थर्ड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। जी सर, 14 जो क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिनको हमें पढ़ना है और फिर फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ओके देखते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एंटीरियर ओपनिंग माउथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका एंड जो है वो पोस्टीरियरली हो रहा है, किससे? एनएस के रूप में बाहर खुलेगा। सही स्टेटमेंट है। ट्यूब विद इन ट्यूब है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल, सेपरेट ओपनिंग बिल्कुल, एक माउथ एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए एनएस, बिल्कुल ठीक बात है। और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, बच्चों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहां अराइज हो गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एस्केल्मिन्थीज में आ गया, एस्केल्मिन्थीज में, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जो है कंप्लीटली ट्यूब विद इन वो ट्यूब उनके अंदर ब्लाइंड सेक था, ब्लाइंड सेक प्लांट था अगर देखें तो, है ना। और टीनिया वगैरह में तो एलिमेंट्री कैनाल थी, एब्सेंटी थी जी। फिर बी देखते हैं, माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, ओके, और ओरल कैविटी की जो माउथ है वो बकल कैविटी ओरल कैविटी में खुल रहा है। ठीक है, फिर द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ, बिल्कुल सही है, अलग अलग टाइप के टीथ अलग अलग होते हैं, मस्कुलर टंग होती है, होती है, बट थ्री पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी। एनसीईआरटी की लाइन की अगर मैं बात करूं तो जस्ट आउटसाइड द ओरल कैविटी, और जस्ट आउटसाइड का मतलब ये जो चिक वाला पार्ट हो गया या ये जो फ्लोर वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये इसकी बकल कैविटी की जो वॉल है, जो दीवार बनेगी वहां पर, हाँ वहां पर प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अच्छा एक इसको स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ सिचुएशन बार बार गलत भी होता है, स्टेटमेंट में जस्ट आउटसाइड ओरल कैविटी दे रखा है या फिर केवल बात कर रहा है कहाँ पे कि ओरल कैविटी में, तो स्टेटमेंट तो ये तो चालू हुआ था कि माउथ लेड्स टू बकल कैविटी, और बकल कैविटी में क्या क्या होता है, तो बकल कैविटी में ये तो नहीं होता, तो ये तो क्या हो गया सर? रोग। जी सर। फिर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्पोरली मिल्की टीथ, बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है। और अडल्ट टीथ, नो नो नो, ये गड़बड़ हो गया, विच इज रिप्लेस्ड बाई परमानेंट, तो चलो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया बिल्कुल। डेसिडुअस टीथ जो है वो टेम्पोरली को ही कहा गया, ठीक है ना, तो ये वाला भी फिर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो टेम्परेरी टीथ बोल दो या डेसिडुअस टीथ बोल दो, एक ही बात है। अडल्ट टीथ बोल दो या फिर परमानेंट टीथ बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग। फिर द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड टेस्ट बड, नो, पेपिला, पेपिलाई, और टेस्ट पेपिलाई के अंदर टेस्ट बड होती है। और यहाँ भी एक स्टेटमेंट यदि सर बच्चों से गलत करवा देता है कि ऑल दी पेपिला हैव टेस्ट बड, हाँ ये भी गलत हो गया। हाँ। जैसे आपका फिलीफॉर्म है पेपिलाई, उसमें नहीं है, फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बट नहीं पाया, फिलीफॉर्म में है और आपका वोलिएट के अंदर है। ठीक है, ठीक बात है, सर्कमवोलिएट, सर्कमवोलिएट, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? लास्ट वाला भी रोम हो गया, रोम हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि अपर सरफेस पर प्रोजेक्शन को टेस्ट बट कहा है, प्रोजेक्शन तो पेपिला कहलाते हैं। तो भैया क्या पूछा आपने? बी सी एन डी, और बी सी एन डी आपकी तरफ ही है क्योंकि आपने सोल्व किया है इसको। चले आगे, 15. The colon is divided into four parts. These are called as क्या कहलाते हैं? तो सभी को पता है भैया कि ilium part आकर खुला था किसमें? एक blind sac plant में, और ये blind sac, हाँ ये थी सर, बच्चों को एक और बात बता दें, intestine का elementary canal का एकमात्र region है जिसका एक end closed कहलाता है। बाकी हर पार्ट के दोनों एंड ओपन होते हैं, चाहे इसोफेगस की बात कर लो, ऊपर फेरिंग्स में खुल रहा है, नीचे स्टमक में, चाहे स्टमक की भी बात कर लो, इसोफेगस में खुल रहा है, उधर ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन सीकम वाला वो पार्ट है जो कैसा ब्लाइंड कहलाता है, जिसका एक एंड क्लोज है दूसरा ओपन है। ठीक है, और यहाँ पर एक फिंगर लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हाँ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपना कोलन रीजन चालू होता है, तो कोलन में जितेंद्र सर सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा? ये वाला असेंडिंग, असेंडिंग आ जाएगा।
और इसकी बात करें ट्रांसवर्स कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम हो जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम, ये डिसेंडिंग कॉलम हो जाएगा, सिग्मोइडल कॉलम, और उसके बाद ये सिग्मोइडल कॉलम, ये भी अपडेट हुआ है, पहले तीन ही दे रखा था। हाँ, पहले तीन ही था, तो एनसीईआरटी में सिग्मोइडल और इंक्लूड हुआ। बिल्कुल, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना सिग्मोइडल, ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था। अब अगर नीट में सवाल आ जाए कि कोलन के कितने पार्ट होते हैं, तो कोलन के भैया चार पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइडल, उसके बाद में रेक्टम और फिर एनस। बिल्कुल, तो आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। जी सर, दो कॉलम में हमें मैचिंग करना है, फिर करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन देखना है, ठीक है? सिंपल सा है, स्टमक जो है वो जे शेप हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया जी, और ड्यूडेनम जो है वो सी शेप्ड हो गया, ड्यूडेनम सी शेप्ड हो गया, ये 1 हो गया, और विलाई जो है वो फिंगर लाइक होती है, विलाई फिंगर लाइक, ये 4 हो गया अपना, और जो रगाई है वो इररेगुलर स्ट्रक्चर है, स्टमक से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड हो गया, तो ये 5 हो गया, ठीक है, तो 3 1 4 5 3 1 4 5 आंसर कौन सा चला जाएगा, 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। मतलब ड्यूडेनम के लिए सी शेप याद रखना, यू शेप लगा के रोंग नहीं करना, ये भी पुरानी एनसीईआरटी में यू दे रखा है, तो पुरानी एनसीईआरटी में इसको यू शेप दिया हुआ था, लेकिन यू शेप जो ड्यूडेनम होता है ये हर्बीवोर्स जैसे रैबिट में देखा जाता है, ठीक है, और अपने में अगर बात करें तो स्टमक कैसा हो जाएगा, जे शेप्ड हो जाएगा, लेकिन अपने में भी अगर क्वेश्चन मॉडिफाई कर दे कि फुली फिल्ड स्टमक की या फुली एक्सटेंडेड स्टमक जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है वो कैसा होगा, वो फिर इस जे शेप का कहलाता है, एम्प्टी स्टमक खाली स्टमक कैसा होता है, जे शेप का कहलाता है, ठीक है, तो आंसर चला गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा बच्चों, मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर एंड एन आउटर, तो ये वाले एक क्रॉस सेक्शन कट सेक्शन पहले ही बताया था मैंने आपको, और एनसीईआरटी के डायग्राम की अगर मैं बात कर लूं तो ये तो सर ये तो ल्यूमन हो गया अपना, क्यों? हाँ, और ये वाली जो लेयर होगी ये कौन सी कहला जाएगी, ये म्यूकोसा, ये म्यूकोसा कहला जाएगी, इसके बाद इसके बाहर बात करें तो सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा बन जाएगी अपनी, सब म्यूकोसा, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस में दो पार्ट है, हाँ, सर्कुलर, तो याद रख लेना अंदर तो कैसा, सर्कुलर, और ये तीन सर बाहर कैसा, लॉन्गिट्यूडनल, बाहर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, एंड फाइनली सबसे बाहर सिरोसा हो जाएगा, सबसे आउटर मोस्ट ये सिरोसा हो जाता है, सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, बिल्कुल, और इनर सर्कुलर, बिल्कुल, और फिर सब म्यूकोसा, और फिर म्यूकोसा, बिल्कुल, और म्यूकोसा के अंदर भी फिर ल्यूमेना, ये अंदर ही अंदर ल्यूमेन हो जाता है, यहाँ भी ये तीन सर बच्चों गड़बड़ हो जाती है, बाहर कौन सी अंदर कौन सी, हाँ ये वाला याद, तो इसको ऐसे इस प्रकार मैंने जब मैं इनके लेवल पे था तो मैंने ऐसे याद किया था इसको कि घर के अंदर रहेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो रजाई ओढ़ के सोते रहेंगे, लेकिन अगर घर से बाहर जाना होगा तो भाई लॉन्गिट्यूडनली चलकर ही जाना होगा आपको, ठीक है, तो बॉडी की लेंथ अपने को बढ़ानी होगी, इरेक्ट होकर जाना ही होगा, और सर्कुलर मैनर में घर के अंदर, अंदर मतलब इनसाइड और बाहर मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, क्यों, यहाँ की घर के अंदर रहे सर्कल में तो सुरक्षित रहोगे, ठीक है, और बाहर जाओगे तो लंबे हो जाओगे, बिल्कुल ठीक बात है, और इसको कोरोना से भी रिलेट करके, हाँ, फिर लंबे हो जाओगे, हाँ, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करते रहें, चले आगे, सुरक्षा के घेरे में, बिल्कुल ठीक बात है, तो इतने तो सर पहले क्या पूछा है इसमें, इनर सर, इनर तो कैसी होनी चाहिए, सर्कुलर, सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। जी सर, लेयर ऑफ सेल्स दैट सीक्रेट इनेमल, इनेमल जो है वो हमारे टीथ का आउटर वाइट पार्ट है जो काफी हार्डेस्ट है, इसको बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ भी बोलते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट टिश्यू, तो वो बोन हो गया, बोन हो जाएगा, और ये एक्टोडर्मल है जो एमिलोब्लास्ट सेल जो है उनके थ्रू बनता है, ठीक है, तो जैसा कि सर ने टीथ का डायग्राम बनाया है उसमें रिप्रेजेंट भी किया है, सबसे बाहर वाले ये तो हो जाएगा एनेमल, इनेमल हार्ड चेविंग सरफेस, ये हो जाएगा डेंटाइन, डेंटाइन, डेंटाइन मेसोडर्मल है ना सुनील जी, बिल्कुल, ये मेसोडर्मल पार्ट कहलाता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो है ये पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, अब यहां पर एक चीज याद रख लेना कि पल्प कैविटी यहां जो सेल्स प्रेजेंट होंगी ये तो कहलाएंगी ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटो ब्लास्ट सेल्स, सेल, ठीक है, और
यहाँ जो डेंटाइन के पेरिफेरी की ओर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, कितने सेल? एमिलोब्लास्ट। ये एमिलोब्लास्ट सेल कहला जाती है। आपने से पूछा क्या है ये सर? एनिमल ऑफ एनिमल के लिए तो बाहर वाला कौन बनाएगा? एमिलोब्लास्ट सेल बनाएगा, ठीक है। और ओरिजिन भी याद रख लेना, ये एक्टोडर्मल है एनिमल वाला, और डेंटाइन जो है वो मेसोडर्मल, वो मेसोडर्मल पार्ट बन जाएगा। तो डेंटाइन तो मेसोडर्मल, ये तीन सर लिख देते हैं बच्चों के लिए। डेंटाइन तो हो गया मेसो, मेसोडर्मल हां, और एनिमल हो गया, और एनिमल हो गया एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक है बच्चों। तो आंसर कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर टू। चलें नेक्स्ट। जी सर, पल्प केविटी ऑफ टूथ इज लाइंड बाय, अभी अच्छा अभी डायग्राम बनाया जा रहा था कि पल्प केविटी जो है वो क्राउन में भी है, ठीक है, वो नीचे जो रूट वाला पार्ट उसमें भी होती उसमें भी है, और उसकी जो लाइनिंग है वो आपकी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो है वो करती है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बाहर की तरफ डेंटाइन वगैरह को सीक्रेट करती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप एक ये भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये थे सर कि ओडोंटोब्लास्ट क्या बनाती है, ये एमिलोब्लास्ट क्या बनाती है। तो इसमें याद रख लेना जहां पर डी आ रहा है ना डेंटाइन, वो तो डेंटाइन हो गया, ठीक है बच्चों। और जहां पर एमिलो और वो क्या था अपना एनेमल, एनेमल मिलो और मल, ई से याद रख सकते हैं, हाँ हाँ एनेमल, हाँ उसको एनेमल बोला है ना, हाँ। तो एमएल, एमएल इसके अंदर आ रहा है। तो किसी भी प्रकार आप याद रखो भैया, अल्टीमेटली कंफ्यूज नहीं होना, सिली मिस्टेक है नहीं करनी है, नहीं तो सिला बन जाएगा, सिला बन जाएगा। चले आगे 20। जी सर, आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर सुनील जी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और लीवर जो है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और लीवर की जो हिपेटिक सेल्स है वो जैसा कि बच्चों ने पढ़ा भी है कि वो बाइल वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और उन हिपेटिक सेल से वो बाइल जो है हिपेटिक डक्ट के हेल्प से गॉल ब्लैडर तक आ जाता है, ओके, और गॉल ब्लैडर में आकर के वो बाइल वहां पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर आपको एपिथेलियम बताया था, सिंपल कोलमनर ब्रश बॉर्डर, ठीक है, तो बढ़िया। उस उपकला या उस एपिथेलियम से गॉल ब्लैडर उस बाइल को कंसंट्रेट करता है, एक्स्ट्रा वाटर को रीअब्सॉर्ब करके, रीअब्सॉर्ब करके, तो वहां पर बाइल स्टोर हुआ, कंसंट्रेट हुआ, ठीक है, और फिर सिस्टिक डक्ट के थ्रू वो जो है कॉमन बाइल डक्ट में आता है, और फिर वो ड्यूडेनम जो है उसकी तरफ बढ़ता है, हेपेटोपैनक्रियाटिक, जहां पर वो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना देता है, जिसको अभी हम लोग आगे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ये पूछा कि अगर उस गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल इकट्ठा है तो वो मेनली फैट डाइजेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसमें भी जो बाइल है उसके अंदर जो बाइल सॉल्ट वगैरह भी फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज फैट ग्लोब्यूल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में चेंज होती है, और फिर लाइपेज पैनक्रियाटिक लाइपेज उसका एंजाइमेटिक डाइजेशन करता है, ठीक है, क्योंकि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, नहीं है, ये ना पूछ ले कि लीवर ने जो बाइल जूस बनाया क्या उसमें एंजाइम है, नहीं उसमें एंजाइम नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा भी जाता है नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन कौन सा है ये गए ऑप्शन में से, तो बाइल जो है वो नॉन एंजाइमेटिक, और ये लिखा हो कि ना लीवर एंजाइम बनाता है नहीं है तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, ठीक बात है, ठीक है, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है लीवर, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है बाइल जूस के थ्रू वो लीवर रिलीज नहीं करता है, तो वो फैट डाइजेशन से इन्वॉल्व है, बिल्कुल। तो यहाँ पे यही कहा है कि जिनमें गॉल ब्लैडर को हटाया गया है, हो सकता है उनमें स्टोन वगैरह हुआ ना, गॉल स्टोन, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में फैट बिल्कुल न लें, बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अगर फैट लेंगे तो भैया वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बना दिया अपने, ये तो जो है लीवर कहला गया, और लीवर से आने वाली हिपेटिक डक्ट हो गई, और ये वाली सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट कहला जाती है, गॉल ब्लैडर हो जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है यहाँ पर, ये कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई। और यहाँ पर एक सवाल ये तीन सर ये भी बनता है कि बाइल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, कौन सी डक्ट में से, तो वो आंसर इधर भी जा रहे हैं, सिस्टिक डक्ट जो है इसमें से बाई डायरेक्शनल फ्लो कहलाएगा बाइल। चले आगे जी, तो इसका आंसर कौन सा करते हैं, इसका आंसर वो फैट, फैट कर दें, तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। 21 जी, ईच हिपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू, हिपेटिक लोब्यूल की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, और हिपेटिक लोब की बात करें तो दो लोब होती है, दो लोब होती हैं, उन लोब के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिल्कुल लोब्यूल है, समवॉट हेक्सागोनल शेप की स्ट्रक्चर ये कहलाती है,
और उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें भी कोलेजन के फाइबर ठीक है एक सीथ बनाते हैं जिसको ग्लिसन कैप्सूल कहा गया है, ग्लिसन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। और ये मेमेलियन लीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेमेलियन लीवर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाएगा कौन, ग्लिसन कैप्सूल का पाया जाना। और ये जो ग्लिसन कैप्सूल जो ब्लैक कलर में मैंने आपको बनाया है, इसके ये जो कॉर्नर्स होंगे यहाँ पर पोर्टल ट्रायड, इसमें जो है हेपेटिक आर्टरी हो जाती है, एक पोर्टल वेन यहाँ पर हो जाती है, और इसके अलावा एक बाइल को लाने वाली। ये भी पूछा जा सकता है कि पोर्टल ट्राइड में क्या क्या होता है ना, तो पोर्टल ट्राइड का कंपोजिशन भी याद रखें, हिपेटिक आर्टरी होगी और पोर्टल वेन हो जाती है यहाँ पर, हिपेटिक पोर्टल वेन, और इसके अलावा बाइल को लाने वाली डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और अंदर ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है जिसको आपने क्या बोला है, हिपेटिक लोब्यूल कहा है, इस हिपेटिक लोब्यूल में हिपेटोसाइट्स अरेंज्ड होती हैं कॉर्ड की फॉर्म में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रकार कॉर्ड की फॉर्म में पेरिफेरी से सेंटर की ओर इनका ये अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, चले आगे। तो आंसर कौन सा कर दें इसका, ये ग्लिसन कैप्सूल। नेक्स्ट 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फिल इन द ब्लैंक्स, हिपेटिक लोब्यूल कंटेन हिपेटिक सेल दैट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड की फॉर्म में हो जाएंगे, अभी भी बताया आपको। द बाइल सीक्रेटेड बाय द इसके द्वारा हिपेटिक सेल्स, अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, पासेज थ्रू दी किसके थ्रू, तो पहला ऑप्शन आपका कौन सा जाना चाहिए, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब हेलिक्स हटा दो, हेलिक्स हटा दो। अब क्या दिया हुआ है, गॉल ब्लैडर के द्वारा, हिपेटिक सेल के द्वारा, गॉल ब्लैडर बाइल सीक्रेट करता ही नहीं है क्योंकि जो बना रहा है वो सीक्रेट करेगा। हाँ, तो हिपेटिक सेल जो है उसने बनाया है बाइल को, हिपेटिक सेल ही सीक्रेट करेंगी। और इसके बाद देखें आप, पासेज थ्रू दी कहां से, हिपेटिक डक्ट से पास आउट होती है, अभी डायग्राम के रूप में बताया भी था आपको, एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन थिन मस्कुलर सेल, ये थिन सेल ने अभी बताया था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करके उसको कंसंट्रेट किया जाता है को, बिल्कुल। और ऐसा कौन करता है, गॉल ब्लैडर। तो आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3। चले आगे, बिल्कुल बिल्कुल। 23 जी सर, फूड को मिक्स किया जा रहा है थ्रू लीफ विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय टर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, दिस एसिल विक्स फूड इज, मतलब एसिड से मिक्स जो फूड स्टमक में टर्निंग मूवमेंट के बाद उसको क्या बोला गया है, सिंपल सा है, काइम हो जाएगा, उसको काइम कहा जाता है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में थोड़ा सा ये देख लेना, बोलस कौन सी फॉर्म है, वो फॉर्म जिसका मैकेनिकल डाइजेशन हुआ था बकल कैविटी में, जिसके साथ में सलाइवा मिक्स हो गया, उसको फिर एक बोल की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, और ये फॉर्म क्या कहलाती है, बोलस कहलाती है। या ये मैं कहूं यतेंद्र सर कि बकल कैविटी से स्टमक में इसोफेगस से होते हुए आने वाला जो फॉर्म है वो क्या कहलाती है, बोलस कहलाती है। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन वो फॉर्म हो जाएगी जो इंटेस्टाइन से कहां पहुंची है, जो इंटेस्टाइन के जो है इंटेस्टाइन के अंदर बन रही है, अंदर बन रही है उसकी वॉल में, एंटेरोसाइट, मतलब इंटेस्टाइन की भी एंटेरोसाइट उनके साइटोप्लाज्म में बन रही है, बिल्कुल। फैट डाइजेशन के दौरान ये आपको बताया जाएगा कि इससे ठीक पहले मिसेल बना था, मिसेल, और मिसेल कहां पहुंच गया था, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पहुंच गया, मतलब उस सेल्स के अंदर है, और फिर साइटोप्लाज्म में काइलोमाइक्रॉन बना, बिल्कुल, जो फिर एब्जॉर्ब हो गया लैक्टियल में, लैक्टियल में चला गया, फैट की एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड हो, बिल्कुल। और ये जो काइल वर्ड है इसके लिए जरूर याद रखना, ये व्हाइटिश फ्लूड कहलाता है, ठीक है। और ये व्हाइटिश फ्लूड जो है ये लैक्टियल से फिर कहाँ पहुंचता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचता है, ठीक है। और लैक्टियल से जो लिम्फेटिक सिस्टम में जब पहुंचेगा तो लिम्फेटिक सिस्टम के कौन से पार्ट में सबसे पहले पहुंचेगा, उसे सिस्टर्ना काइली के नाम से, काइली के नाम से जाना जाता है। तो काइल क्या हो गया, व्हाइटिश कलर का फ्लूड हो गया, जो कहां से लैक्टियल से कहां पहुंचा है, लिम्फेटिक सिस्टम में। ये इंफॉर्मेशन आप एडिशनली नोट डाउन कर ले। अपना आंसर कौन सा चला गया, टाइम चला गया। नेक्स्ट 24 हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी एंजाइम आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस की अगर बात करें तो ट्रिप्सिनोजन बिल्कुल हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजन हो जाएगा, अमाइलेज हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइडेज ये नहीं होगा, ये सक्कस एंटेरिकस, जी जी, इंटेस्टाइनल जूस में बिल्कुल, न्यूक्लियेजेज डीएनए आरएनए आ जाएगा इसमें, काइमोट्रिप्सिनोजन बिल्कुल हो जाएगा, एंटेरोकाइनेज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा, ये वाला नहीं है, तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड ये हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 बिल्कुल। ये तीन सर नहीं, इसको गोला लगाया, इसका मतलब ये नहीं है, गलत है, ये सही है, ठीक है। तो आप काउंट कर ले कितने टिक है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 हो जाएंगे। इसके लिए आप याद रख लेना ये किसका घटक कहलाता है, किसका कंपोनेंट कहलाता है, ये सक्कस एंटेरिकस का, सक्कस एंटेरिकस। तो आंसर 6 कर दे क्या, जी लॉक कर दे। अगर सुनील जी यहाँ पर ट्रिप्सिन लिख देता तब भी नहीं लेते उसको, हाँ बिल्कुल। तो ट्रिप्सिन तो वो फॉर्म है जो ड्यूडेनम में, हाँ ड्यूडेनम में पहुंचने के बाद बनी है, एक्टिव हुई है, एक्टिव फॉर्म बनी है, ये इनएक्टिव फॉर्म कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट 25 हो जाएगा, जी सर। द सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा
along with secretion of goblet cell. एक मिनट, आप ये मत समझना कि ये तीन सर ने तो इधर देखा भी नहीं, फिर भी ये सवाल कहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ एक बड़ा टीवी लगा हुआ है हमारे, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हाँ सर पढ़े, जी जी, पीछे भी आंखें जी. The secretion of blood border cells of mucosa along with secretion of goblet cell constitute है ना, ब्रश बॉर्डर सेल्स की बात की जा रही है, है ना, तो इसको क्या बोला गया है, तो ये इंटेस्टाइनल जूस होता है, जूस कहलाता है, और उसी को बोला गया सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो दो आंसर दे देंगे आप, हाँ बोथ ऑफ, फोर टू एंड थ्री, तो ऑप्शन नंबर फोर चला जाएगा, ठीक है बच्चों, चले आगे, बिल्कुल बिल्कुल, 26 रहेगा बच्चों, इन स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन अकर इन केस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, तीन चार बातें लिखी हैं, तीन चार, ग्लूकोज बोला है, सम अमीनो एसिड बोला है, और अगर उसके साथ में क्लोराइड जोड़ दिया तो भैया पैसिव चला जाएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं, कुछ अमाउंट में, हाँ स्मॉल अमाउंट में, ऐसे ही दूसरी बात कही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कह दिया, सम अमीनो एसिड कह दिया, और ये कैरियर प्रोटीन एन ए प्लस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर, इसको फैसिलिटेटेड कहा है, और अगर तीसरा दे दे जिसमें ग्लूकोज आ जाए, अमीनो एसिड आ जाए और सोडियम आ जाए, तो ये एक्टिव हो गया, और ज्यादातर एक्टिव है ना, हाँ, और ज्यादातर एब्जॉर्प्शन कैसा होता है भैया, एक्टिव ही होता है, एक्टिव का मतलब होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, जी ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा चला जाए, ऑल ऑफ दी अबव, चले आगे 27, जी सर, मेलेसमस और क्वासियोकोर दो डिजीज होती है ना, ठीक है, तो दोनों ही अगर अपन देखे तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के अंदर एनसीईआरटी ने अभी अभी इंक्लूड की है, ठीक है, पहले भी ये था नहीं है ना, तो क्वाश्चर कोर जो है वो 5 साल तक के बच्चों में होता है, और वो केवल प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से 1 साल तक के जो इन्फेंट होते हैं नवजात शिशु उनके अंदर ये डिजीज होती है, जिसमें प्रोटीन की भी कमी और एनर्जी की भी, ठीक है, जैसे कुछ माए जो है कुछ मदर बच्चे की बर्थ के कुछ मंथ तक तो दूध पिलाती है और फिर उनको दूध पिलाना बंद कर देती है, हाँ, ये सेकंड प्रेगनेंसी अगर अर्ली हो जाती है, दूसरा बच्चा जल्दी हो जाता है तो फिर ऐसा किया जाता है, तो ऐसे में बच्चे को नहीं तो एनर्जी सोर्स मिलेगा, ठीक बात है, और नहीं उनको प्रोटीन मिलेगा, है ना, तो दोनों की कमी की वजह से ये हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और फिर प्रोटीन, तो इसके अंदर आंसर 1 एंड 2 दोनों हो जाएंगे, बिल्कुल, तो वैसे सुनील जी की है ना, अपन बोलते हैं कि मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है फूड वाले, उसमें अपन कार्बोहाइड्रेट बताते हैं, लिपिड बताते हैं और प्रोटीन भी बताते हैं, कि इन तीनों से एनर्जी मिलती है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारी बॉडी जो एनर्जी लेना चाहती है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद में फैट से, उसके बाद में फैट से, है ना, और उसके बाद हो जाएगा लास्ट में प्रोटीन से, जब कोई और ऑप्शन ना हो, और प्रोटीन का अगर एनर्जी यूटिलाइजेशन किया जाता है, एनर्जी यूटिलाइजेशन में काम में लिया जाता है, इसे एमिशिएशन ऑफ बॉडी हो जाता है, बॉडी में दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो प्रोटीन का एनर्जी सोर्स में काम में लेना गलत है, और दूसरा गलत इसलिए भी, या अपन कहेंगे हमारे लिए ये हार्मफुल इसलिए भी क्योंकि इसके कैटाबॉलिज्म से अमोनिया रिलीज होती है, ठीक बात है, टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए, टॉक्सिक को हैंडल करना में फिर लीवर को जोर रहेगा, जी जी, तो बच्चों इसको मेरा समझ से किसमें हो गया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होगी, 1 साल तक का बच्चा अगर होता है उससे कम उम्र में ये डिजीज देखी जाती है, या मैं कहूं मदर मिल्क को अगर रिप्लेस कर दिया जाता है ऐसी डाइट से जो पुअर है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में, पुअर है प्रोटीन कंटेंट में, तो डिजीज कौन सी हो जाएगी, मैरास्मस हो जाएगी, और दूसरी ओर मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई ए डाइट विच इज पुअर इन प्रोटीन कंटेंट, ओनली प्रोटीन कंटेंट, जबकि एनर्जी सोर्स उसमें है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसमें है, तो वो क्वाश्चन कहला जाएगा, इसको आप इस प्रकार भी याद कर लें, मेरे और यतेंद्र सर में आपको हेल्दी कौन दिखाई दे रहा है, तो जो हेल्दी होगा, हेल्दी का मतलब ये होगा कि प्रोटीन की कमी है, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से मेरे में मोटापा आ गया, तो अगर मैं मेरे को डिसऑर्डर अगर कोई बताऊं, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर बच्चों को आपने बताना चाहे तो मैं मेरा समस्या क्वाश्चन, हाँ, अगर आप में मतलब बॉडी की मोटापा की रेस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्वाश्चन से ग्रस्त हो जाऊंगा, प्रोटीन की कमी होगी, और ऐसे में फिर जो है लिम्स वगैरह ये थोड़ा जरूर पतले हो जाएंगे, ठीक बात है, और ये दिन सन में कौन सी हो जाती है बच्चों, मेरास्मस डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पता चले अभी क्वेश्चन सोल्व करते करते ही कोई बात हो जाए, कमेंट में मुझे लेंगे, चले आगे, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाता है, ठीक है, या इसको ऐसे भी याद रख लें आप, मेरास्मस मतलब मरा मरा सा, और मरा मरा सा मतलब एकदम दुबला पतला सा, प्रोटीन की कमी तो है ही और मोटापा भी नहीं है, जबकि क्वाश्चन में मोटापा होता है लेकिन उसके लिम्स पतले होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जी सर,
गेस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर की बात हो रही है तो वो किससे किसके एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है ना, तो ये जो है इंटेस्टाइन के अंदर जो आपकी पेराइटल या ऑक्सेंट्रिक सेल है, सॉरी इंटेस्टाइन नहीं स्टमक रीजन, उसकी म्यूकोसा में जो एक पेराइटल या ऑक्सेंट्रिक सेल होती है वो इसका फॉर्मेशन करती है। और ये जो सेल है इस फैक्टर के अलावा HCl को भी रिलीज करती है ना, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है इसको इंट्रेंसिक फैक्टर बोला गया है, IF। हाँ, गेस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और सुनील जी ये जो फैक्टर है जैसा आपने नाम लिखा केमिकल नेम साइनोकोबेलेमाइन विटामिन B12 विटामिन B12 हो जाएगा है ना, विटामिन B12 और एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें मेटल आयन हो कोबाल्ट, ठीक है। तो ये जो विटामिन है ये इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, बिल्कुल ब्लड फॉर्मेशन। तो इस विटामिन का अटैचमेंट जो है B12 का वो इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ हो जाएगा, ठीक है। यानी B12 ये इंट्रेंसिक फैक्टर है और इसको सुनील जी एक्सट्रेंसिक फैक्टर भी लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जुड़ने के बाद भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है, ड्यूडेनम जेजुनम और फिर ईलियम रीजन में। ईलियम में इसका रिसेप्टर होता है और उसकी वहां पे जुड़ने के बाद में B12 तो एंटेरोसाइट में आ जाएगा, ठीक है, और इंट्रेंसिक फैक्टर वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। इसलिए जो है क्योंकि इंटेस्टाइन को छोड़कर के ये सेल में जा रहा है इसलिए इसको एक्सट्रेंसिक फैक्टर और ये वही है इसलिए इसको इंट्रेंसिक फैक्टर कहा है। तो हम कह सकते हैं कि B12 का एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प कर रहा है और एब्जॉर्प्शन के बाद में ब्लड में आएगा, ब्लड से बोन मैरो के पास में आके हीमोफोसिस करेगा। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखा कि इसकी कमी गेस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर इज कंसर्न्ड विद द इंटरनल या इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपका हो जाएगा कोबेलेमाइन साइनोकोबेलामिन विटामिन B12 हो जाता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में अगर बात करें तो पाइरिडॉक्सिन जो है ये कौन सा विटामिन हो गया नितिन सर, B6 हो जाता है जी। राइबोफ्लेविन की अगर बात करें तो ये कौन सा हो जाता है, B2 हो जाता है, ठीक है। ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड, और थायमिन की अगर बात करें तो ये B1 हो जाते हैं, ठीक है। और राइबोफ्लेविन की बात करूं या थायमिन की बात करूं तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में, कोफैक्टर के रूप में एक्ट करते हैं। ऐसे पाइरिडॉक्सिन की बात करें तो पर्निशियस जो एनीमिया है, ठीक है, उसके अंदर भी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में एक्ट करता है कि उसका अगर कोई पेशेंट है तो उसको दिया जाता है। और ऐसा आपने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में भी बताया, ठीक है। वैसे अगर अपन देखें पर्निशियस एनीमिया तो ये एक टाइप की ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे ही जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स वगैरह हैं वो इंटेस्टाइन की ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल के अगेंस्ट वर्क करते हैं उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगर वो खत्म हो जाएगी तो फिर ये वाला जो फैक्टर अपना ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात। तो अगर पर्निशियस एनीमिया हो रहा है तो उसका रिजल्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। ये अपन कहेंगे किसी के स्टमक के अंदर कैंसर हो गया तो स्टमक में कैंसर होते गैस्ट्रेक्टोमी कर दी जाती है, स्टमक पूरा हटा ही दिया जाता है, रिमूवल ऑफ स्टमक हो जाता है, ठीक है। वजह से भी फिर आदमी के अंदर पर आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ना आपका इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं बनेगा जी, बिल्कुल ठीक बात, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक बात है। एक चीज और सुनील जी की जो अपन डाइट में आयरन इनटेक करते हैं तो वो Fe3+ स्टेट में होता है, और जो स्टमक की ये जो सेल ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल ये जो HCl बना रही है वो इसको Fe3+ से Fe2+ में चेंज कर रही है, ठीक है। और आयरन जो है फेरिक, इसी स्टेट में फॉर्म को फेरस में कन्वर्ट जी इसी फॉर्म में आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म ये है, ठीक है ना। तो अगर मान लो स्टमक की वो सेल काम ना करे तो न तो ये इस फॉर्म में आ पाएगा, बदल पाएगा, तब भी एनीमिया हो जाएगा, ठीक बात है, क्योंकि आयरन का जो रोल है वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी एनीमिया हो रहा है। और इसके अलावा वो सेल अगर डैमेज होगी तो ये नहीं बना, तो आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो विटामिन B12 जो है ये मैच्योरेशन ऑफ RBC के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी एब्सेंस में जो है वो मैच्योरेशन नहीं हो पाता, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रख लेना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट तो कहाँ से हुआ, स्टमक से, ठीक है। और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का ये विटामिन B12 जो इसे बाइंड हुआ था ये एब्जॉर्ब कहाँ हुआ, ये ईलियम। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है, व्हाई, क्योंकि ईलियम में उसका रिसेप्टर है, म्यूकोसा ईलियम में ही केवल रिसेप्टर पाया जाता है। चले आगे 29 रहेगा बच्चों, द फिगर गिवन बिलो शोज अ डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जो ऑफ ह्यूमन ऑन वन साइड आइडेंटिफाई ABC। तो A की अगर बात करें तो इनसाइजर कहलाएंगे सामने वाले,
ये कैनाइन कहला जाएंगे, ये प्री मोलर और ये वाले मोलर कहला जाएंगे। Which one of the following statement are correct? Correct statement देखना। Frenulum एक membranous fold है जो टंग को oral cavity में lower side से जोड़ के रखता है ना, तो ये वाला perfect है। ठीक है। फिर lower surface of tongue has a little projection नहीं, upper surface, तो ये वाला wrong हो गया। ठीक है। Pharynx is common passage for food and air। Correct बात है। फिर sphincter of Oddi guard and regulate the opening of stomach नहीं। Hepatopancreatic duct into the duodenum, तो ये वाला भी wrong हो जाएगा। फिर colon has four part, बिल्कुल सही है, ascending, transverse, descending and sigmoidal, the latter open into rectum, बिल्कुल सही है। और correct आपने जो पूछा है, तो पहला correct है, तीसरा correct है और पांचवा correct, पांचवा, तो 1, 3, 5 option number 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज इसलिए बनता है क्योंकि ओरल कैविटी भी यहीं जाकर खुल रही है, और ऊपर से अगर नेजल कैविटी की बात करें तो इंटरनल लेयर से होता हुआ वो भी नेजोफेरिंग्स में ही ओपन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 31 हो जाएगा। सेग्रेगेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहले तो ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। जी जी। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल विच सीक्रेट म्यूकस एंड हेल्प इन लुब्रिकेशन। ठीक बात है, सही है। तो म्यूकोसल जो एपिथेलियम पाई जाएगी, जो अपने कट सेक्शन के दौरान देखी थी, अंदर ही अंदर वाली जो लेयर कह रही थी, वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है और ये चिकनाहट प्रदान करवाता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, फूड इजीली आगे मूव कर सकता है, फूड इजीली आगे मूव कर सकता है। म्यूकोसा फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक एंड क्रिप्ट इन बिटवीन बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। बिल्कुल ठीक बात है कि म्यूकोसा जो लेयर थी उसने इस प्रकार के फोल्ड बनाए थे स्टमक रीजन में, और यतेंद्र सेल अभी विलाई बनाएंगे उधर, यतेंद्र सेल विलाई बनाएंगे, जैसे विलाई की अगर बात करें तो इस तरीके से बनते हैं, और उन पर भी जो सेल्स हैं उनकी अपर सरफेस फिर माइक्रोविलाई बना लेती है, उनके माइक्रोविलाई हो जाएगी। ये एक विलाई होगी, ये दूसरी विलाई होगी, यहाँ पर जो क्रिप्ट पाया जाता है, जो गड्ढा पाया जाता है, इसको के बीच में क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, इसको क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा भी क्या हो गया, ट्रू। जी। सेल लाइनिंग द विलाई हैज ब्रश बॉर्डर और माइक्रोविलाई, ये वाला ही होगा, बिल्कुल माइक्रोविलाई होगा, बिल्कुल बना दिया ये टेंशन ने पहले ही। All the four basic layer in the wall of gut never shows. No. Modification show करते हैं। Modification show करती हैं। और ऐसा modification अपन ने जैसे gastric रगी के रूप में देख लिया, जैसे विलाई के रूप में, microvilli के रूप में। Stomach के जो mucosa की बात हो रही है, all the चारों layer की बात हो रही है, तो आपका muscularis में stomach के अंदर extra oblique आ गया। ठीक बात है। Brunner gland। Brunner gland आ जाती है। वो केवल duodenum में। बिल्कुल बिल्कुल। सब mucosa में आ जाती है। तो modification में। और ऐसे ही अगर मैं, हाँ बहुत ही important बात करें, सिरोसा की अगर बात करें, तो इसोफेगस में सिरोसा की जगह ट्यूनिका एडवेंसिया होता है। वहां पर ऊपर किस तरफ सिरोसा नहीं होती है, नहीं होती है, सिरोसा की जगह ट्यूनिका एडवेंसिया पाई जाती है, ट्यूनिका एडवेंसिया बाकी पोर्शन में नहीं होती है। बिल्कुल सही। चलें आगे। जी। तो क्या देखना था ये थे सर, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, पहला कैसा ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू और चौथा फॉल्स। तो 1, 2, 3 फॉल्स, नहीं नो भाई, नो 1, 2, 3 ट्रू एंड फोर्थ इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। चलें आगे। 32। जी सर। Small finger-like projection, which produce numerous microscopic projection, are supplied with network of, मतलब ये सुनील जी विलस की ही बात कर रहे हैं, NCRT का डायग्राम बना रहे हैं, विलस या विलाई जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर सिंपल कोलमनर सेल्स हैं, और सिंपल कोलमनर सेल्स जो हैं, उनकी अपर सरफेस जो है ऊपर माइक्रोविलाई हो, माइक्रोविलाई हो जाएंगे उनके ऊपर, और जैसे एक विलस ये वाला भी हो गया। अब इनके बीच में जो है वो आर्टरी भी डिवाइड होकर के ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और फिर वो वेन के साथ कनेक्ट हो रही है, तो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क बना, इसके साथ वहां पर लैक्टियल भी जाती है, लैक्टियल भी पहुंच रही है, जो काइलोमाइक्रोन को एब्जॉर्ब कर रही है, और जो ब्लड कैपिलरीज है वहां पर अमाइनो एसिड, मिनरल्स और आपके जो ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, फ्रक्टोज वगैरह, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जी। तो यहाँ पर यही है, तो इसमें विलस के अंदर की तरफ क्या है ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लड कैपिलरीज एंड लैक्टियल हो जाएगा, ये दोनों बिल्कुल आंसर फर्स्ट चला जाएगा। जी। ठीक है। 32, 33 हो जाएगा। विच वन ऑफ द करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ टीथ एंड डेंटल फॉर्मूला विद रेफरेंस टू योर चाइल्ड। अब बच्चे की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सा, 4 से 6 साल, इसका मतलब डेसिडुअस टीथ कहलाएंगे, डेसिडुअस टीथ, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, और मिल्क टीथ का मतलब हो गया कि कितने, 2102 upon 2102 into 2, तो इसको अपन डेंटल फॉर्मूला कहा जाता है, और डेंटल फॉर्मूला जो है
ये हाफ झोंका लिया जाता है, अपर हाफ अलोंग विद लोअर हाफ, और इसको अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे पार्ट की और मल्टीप्लाई कर दें, तो कंप्लीट टीथ अपने पास आ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज आप जरूर याद रख लेना भैया, वो कौन सी, कि बच्चे में क्या नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या कहलाता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मोलर जी, अपॉन इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये अपर जो, ये लोअर जो, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे कि इंसाइजर बिल्कुल पाए जा रहे हैं दो, एक केनाइन है, जीरो प्रीमोलर है और ये मोलर है। मोलर में भी जो है लास्ट जो मोलर है ना वो नहीं है, वो बच्चे में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यही फॉर्मूला अडल्ट में क्या बन जाएगा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 बन जाएगा। अब इसको अगर मैं टोटल टीथ में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 2 16, 8 2 16 का मतलब 8 2 16, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर नीचे आ जाएगा 16, टोटल टीथ कितना हो गया 32 टीथ हो जाते हैं। अब अगर हम इनसे पूछे कि क्या सारे दांत दो बार आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अच्छा कैसा लगा, ऑल टीथ आर डाइपर्मेंट, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका मतलब कि जो दांत छोटे बच्चे में नहीं थे, नहीं थे, बड़े में आ गए, आ गए, वो मोनोफायोडोंट, वो मोनोफायोडोंट, इसका मतलब है प्रीमोलर, प्रीमोलर और थर्ड मोलर, ये जिंदगी में एक ही बार आते, 12 टोटल नंबर, 12 हो गए ना, टोटल 12 हो गया, क्योंकि एक हाफ अपर हाफ की बात करूं तो यहां पर 2 हो जाएगा, लोअर हाफ में 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो प्रीमोलर कितने हो गए टोटल बच्चे में, 8 प्रीमोलर हो गए, 8 प्रीमोलर केवल अडल्ट में आएंगे, बच्चे में तो है ही नहीं। और इसके अलावा जो थर्ड मोलर यहाँ पर 3 में बदल गया, ये 2, इसका मतलब 1 2 और 2 से मल्टीप्लाई और कर दो तो 4 हो गए, तुम्हारा 8 प्लस 4 कितने, 12 वो टीथ होते हैं जो मोनोफायोडोंट कहलाते हैं, जीवन में एक ही बार आते हैं ह्यूमन में, डाइफायोडोंट बाकी जो बच्चे में, हाँ जो बच्चे में आ गए मोनो की अगर बात कर लेना, मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट तो हो गए, 8 तो प्रीमोलर प्लस 4 लास्ट थर्ड मोलर और ऐसे एंजाइम्स जो फाइनली एक्ट करते हैं, यानी वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फाइनल एक्शन किसकी कहलाएगी, पैनक्रियाटिक जूस की या सकस एंटेरिकस की, सकस एंटेरिकस की, इंटेस्टाइनल जूस की हो जाएगी, तो एंजाइम ऑफ सकस एंटेरिकस, ठीक बात है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाज ये फाइनली एक्ट नहीं करते हैं, एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, आंसर कौन सा चला जाएगा, या ये भी कहेगी ब्रश बॉर्डर एंजाइम, हां ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम, जैसा अभी ये तीन सर ने डायग्राम बनाकर भी बताया था कि यहां से ये सीक्रेट होते हैं, ठीक है। 35 जी सर, which one of the following equation matched correctly with the action of enzyme on the given substrate and regarding end product of their reaction, food digestion से related है, और जो substrate है उसपे correct अपने को देखना है ना, correctly matched, हाँ हाँ, तो देखते हैं चलो, stomach के अंदर fat का digestion नहीं होता है, ये गलत हो गया, small intestine में protein के respect में बात कर रही है, पेप्सिन तो स्टमक में काम करता है ना, स्टमक में करेगा, ये भी गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, लोकेशन हो गई, स्टार्च सबस्ट्रेट हो गया, एमाइलेज चलो ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है, पर वो डाइसेक्राइड में चेंज हो सकता है, बिल्कुल ये बात तो ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं, ड्यूडेनम लोकेशन, ट्राइग्लिसराइड को अगर यहाँ पे लाइपेज आता तब तो सही होता, लाइपेज होना चाहिए था, ट्रिप्सिन तो प्रोटियोलाइटिक है, बिल्कुल वाला भी रोग, और ये लाइपेज भी बच्चों पैनक्रियाटिक लाइपेज कहलाता है, ड्यूडेनम रीजन में वही सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये स्टीएफसिन और दे रखा है, इसको लाइपेज ही कहते हैं, हाँ, इसको पैनक्रियाटिक लाइपेज, इसको पैनक्रियाटिक लाइपेज, तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए याद रख लेना, ये पैनक्रियाटिक लाइपेज है भैया, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज तो एमाइलोप्सिन, बिल्कुल एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन जो है वो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, बिल्कुल,
तो ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज इनकरेक्ट, गलत की बात कर रहा है अपने से। न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइडेज, और नेट डायरेक्ट ही तोड़ देंगे क्या? तो पहले न्यूक्लिएज चाहिए ना, न्यूक्लिएज होना चाहिए जी, ठीक है। न्यूक्लिएज कौन सा हो गया? डीएनए हो गया, आरएनए जी, आरएनए, आरएनए हो गया, और किसका कंटेंट हो गया? पैनक्रियाटिक जूस, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज पैनक्रियाटिक जूस का कंटेंट कंपोनेंट कहा गया। न्यूक्लियोटाइडेज या साइडेज सबका सेंटेंस, वो सबका सेंटेंस का इंटरसेंटेंस जूस का कंटेंट कहलाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं तोड़ेगा, ये बात तो गलत होगी। फैट पर लाइपेज एक्ट करेगा फैटी एसिड डाइग्लिसराइड में, बिल्कुल ठीक बात है जी जी। स्टार्च के ऊपर पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज माल्टोज आइसोमाल्टोज और स्मॉल अमाउंट में अल्फा डेक्सट्रिन, ये भी सीक्रेट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोटीन पेप्सिन एक्ट करेगा पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज, ये भी में इसको तोड़ देता है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी? करेक्ट। अपने से क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन तो जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स कहला जाते हैं, इनके पार्शियल डाइजेशन से क्या बनता है? पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज इनका फॉर्मेशन, इनका फिर फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इनमें भी आप अंतर याद रख लेना, ये जो प्रोटियोजेज है ये प्रेसिपिटेशन नहीं दर्शाता है, वो सॉरी प्रेसिपिटेशन दर्शाता है, जबकि पेप्टॉन्स जो है ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा, चले आगे 37 हो जाएगा। कंप्लीट द गिवन इक्वेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग, तो मिल्क प्रोटीन, क्या ये स्टमक की बात हो रही है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है स्टमक में ऐसा होता है क्योंकि छोटे बच्चों के रेस्पेक्ट में। और मिल्क प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? कैसीन, कैसीन हो जाता है। कैसीन के ऊपर रेनिन की एक्शन हुई और ये किस में बदल गया? पैरा कैसीन में बदल जाता है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जी जी, नंबर 3। और पैरा कैसीन के ऊपर कैल्शियम प्लस 2 की एक्शन की प्रेजेंस में कैल्शियम पैरा, जिसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यहाँ तक ये जो रिएक्शन है इसको कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहा जाता है। पहले वो जो था सोल्यूबल था, सोल्यूबल था, अब इनसोल्यूबल हो गया, अब इनसोल्यूबल, और अब इसके ऊपर पेप्सिन एक्ट करेगा और इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन और पेप्सिन दोनों ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, दोनों ही प्रोटियोलाइटिक है जी, ठीक बात, ठीक बात जी सर। इन ह्यूमन बींग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, कहना है ना। तो सुनील जी, प्रोटीन का डाइजेशन तो स्टार्ट हो गया स्टमक से, स्टमक फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, जो अभी स्टार्च का डाइजेशन हमने देखा था, तो ये पहला चला जाएगा। रेस्पेक्टिवली पूछा है तो स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, माउथ हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। 39, What do you mean by absorption of food? तो definition की बात कर रहे हैं absorption, और absorption का मतलब तो यही है कि intestinal region से ये कहाँ पहुंच जाए? Blood vessels में, blood vessels या left ear में पहुंच जाए, left ear, बिल्कुल बिल्कुल। तो it is a process by which the end product of digestion, end product जो finally बने हैं, किसकी action के द्वारा? Intestinal juice की action के द्वारा, succus enteric के द्वारा, passes through the इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू ब्लड या लिम्फ में अगर पहुंच जाते हैं तो यही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहलाता है। बाकी ये देख लें, इट इज प्रोसेस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन में एब्जॉर्प्शन नहीं काम में आएगा, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस टू यूटिलाइज एब्जॉर्ब फूड, इसे नहीं, वो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहलाता है ये। तो इनिशियली क्या था? डाइजेशन, वो इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन हुआ था, फिर डाइजेशन हुआ था, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ था, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होकर एसिमिलेशन उसका किया गया था, और जो बचा हुआ कंटेंट था जिसे एब्जॉर्ब नहीं किया गया था, वो उसका प्रोसेस इंजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ए प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट आर मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम लार्ज नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ऑप्शन नंबर 1 जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है बच्चों को, रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन वो यही हो रहा है, ठीक बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल में। और अगर वाटर का पूछ ले तब बच्चे कंफ्यूज होकर जल्दीबाजी में लाड़ लगा देते हैं, क्योंकि उसमें ये 3 साल चक्कर आएगा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो लार्ज एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, समरी में लिखा जाता है, हां, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, उस लाइन का मतलब ये है लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब हो रहा है? वो वाटर हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम वाटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ये चीज याद रखना। फिर अराउंड 40% ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ऐसा हो ही नहीं रहा, वहां पे तो वाटर का हो सकता है, विटामिन का हो सकता है ना, कुछ मिनरल वगैरह का हो सकता है। ड्रग्स, एल्कोहल, लिटिल वाटर एंड सिंपल सुगर आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक थ्रू
म्यूकस मेम्ब्रेन, सही, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लार्ज इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल डाइजेशन, ये भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरियल डाइजेशन के रिजल्टेंट बनने वाले जो प्रोडक्ट है, ऐसे इसमें एक विटामिन के भी जो है, विटामिन के, तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट ही है, बैक्टीरियल प्रोडक्ट कहलाता है, B12 भी बनाया जा सकता है, B12 भी बनता है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, सारे के चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही अगर एनसीईआरटी की लाइन अगर दिमाग में नहीं नाच रही है ना भैया, इसका मतलब परफेक्टली जो है वो स्टडी हुई नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, करेक्ट पूछा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, नेक्स्ट 41 हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और ये कौन से कहलाते हैं, रेप्सिन, रेप्सिन सक्कस एंटेरिकस में रेप्सिन है ना, बिल्कुल बिल्कुल, सक्कस एंटेरिकस में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रेप्सिन कहलाता है, पेप्सिन स्टमक हो ही गया, और ये पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट ट्रिप्सिन कहला ही गया, तो पहला ही हो जाएगा। गैस्ट्रिन तो हार्मोन नेस्टन हो गया, यहां भी गैस्ट्रिन आ जाता है, और यहां पर अगर बात करें ये वो एसटीएफसीन लाइपेज हो गया, लाइपेज, बिल्कुल बिल्कुल। तो 42 हो जाएगा, जी सर। एग्रीगेट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन डिस्टल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फोइड टिश्यू के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, जिसको आप लोग, जिसको हम लोग जो है पेयर पेचेस कहते हैं, पेयर्स पेचेस, हालांकि ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में पूरे इंटेस्टाइन में है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्रीगेट होकर के ये जो है आपका ये इलियम पार्ट, इलियम वाले पार्ट, इलियम में मिलेगा पेयर पेचेस, इनको इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी कह सकते हैं ना, हां इंटेस्टाइनल टॉन्सिल, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्डेयर रिंग बन रही थी, ठीक है, उसमें फेरेंजियल टॉन्सिल आ गया था, लिंगुअल टॉन्सिल आ गए थे, ये जी जी। ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक वोल्डेयर रिंग बनाते हैं, तो ये लिम्फोइड टिश्यू का एग्रीगेशन ही है जो बक्कल कैविटी के नजदीक पाया जा रहा है, और ऐसा ही लिम्फोइड टिश्यू का ये एग्रीगेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, इसलिए इनको इंटेस्टाइनल क्या बोल दिया है, टॉन्सिल, टॉन्सिल कह दिया है। या अपन जैसे 12th में यूरोप पढ़ते हैं ना डिजीज वाले चैप्टर में, इम्यून सिस्टम में ग्लूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50% ग्लूकोसा का 50% या उससे भी ज्यादा वाला पार्ट बना रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बात है, ये चीज भी बच्चे इसमें याद रख सकते। और यहाँ पर डिस्टल पोर्शन कह दिया, डिस्टल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा, इलियम में मैक्सिमम मिलेगा, बाकी के इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, जी 43 हो जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम आर, ये अपने पहले ही डेफिनेशन बता दी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और ऐसा क्या होता है वो, सॉरी, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं। 44 जी सर। In which layer of wall of elementary canal secretory glands gland, मतलब म्यूकोसा, बिल्कुल ठीक बात है, उसी का मॉडिफिकेशन होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, जी 45 इजी क्वेश्चन आया अभी। ड्यूरिंग स्टार्वेशन व्हाट विल बी सीक्वेंस, अभी बता दिया था पहले ही हमने आपको, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में लिपिड, और लास्ट में प्रोटीन, और लास्ट में प्रोटीन हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, और प्रोटीन हो जाता है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 46 माल्टोज गिवन राइज टू, जैसा आपने शुरू में बता दिया था, माल्ट और ये डाइसैकेराइड है, जो दो ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से बनता है, जिसका डाइजेशन माल्टेज करता है, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनमें होता है, तो आंसर इसमें ग्लूकोज हो जाएगा, नो डाउट। अब ये शब्द आपको याद आएगा भविष्य में, माल क्यों 47 नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स, क्या है एब्जॉर्ब करती है, अभी ये तीन सर ने बताया था आपको, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, एक्चुअल में वो एनसीईआरटी की लाइन तो वो है कि लार्ज अमाउंट, लेकिन लार्ज टोटल एब्जॉर्प्शन के सम मिनरल्स और इसके मेडिसिन, मतलब कुछ ड्रग्स भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। ऑप्शन नंबर अल्कोहल की अगर बात करें तो स्टमक में हो जाएगा भैया, ठीक है। इतने सर एक सवाल बनता है कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टमक में हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर अल्कोहल स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाए तो रैपिड एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी, बिल्कुल। तो फिर रैपिड एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां पर मॉडिफिकेशन पाए जा रहे हैं भैया एब्जॉर्प्शन के लिए, एक्चुअल में तो अल्कोहल पहुंचता ही नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहीं पे वो पूरा एब्जॉर्ब होता है, वहीं पे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर कंपेयर करवा कर कोई हाइपोथेटिकल सवाल ऐसा बना दे तो उस हाइपोथेटिकल में आप यही कहोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा अल्कोहल का, ठीक है। नेक्स्ट 48 हो जाएगा, जी सर। सीसीके है ना, पॉलीसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज, मतलब ये एक हार्मोन है, क्योंकि ये एक साथ ही एक्शन करता है, मतलब एक ही सिंगल हार्मोन है जिसकी अलग अलग साइट, अलग अलग साइट ऑफ एक्शन पे वर्क करती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अपना जैसे स्टमक पार्ट बता दें बच्चों को, जी जी, ये अपना ड्यूडेनल पार्ट बता दें, इस ड्यूडेनल पार्ट से सीक्रेट हो जाएगा सीसी के, पेनक्रियाज, और यहाँ पर ये पिंसर हो जाएगी,
और यहाँ हो जाता है अपना बॉल ब्लैडर, लीवर के पास में कहाँ बॉल ब्लैडर। तो यहाँ से जो सीक्रेट हो रहा है सीसी के पीजेड वो एक्ट करेगा, यहाँ भी एक्ट करेगा पैनक्रियोजाइमिन, तो हाँ इसके एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करेगा तो, और पैनक्रेटिक जूस रिलीज करेगा, पैनक्रेटिक जूस रिलीज करवाएगा जी। और ऐसे सीसी के जो पार्ट है वो यहाँ गॉल ब्लैडर पे, गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे बाइल रिलीज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको पूरा नाम ऐसे लिखा जाता है सीसी के पैनक्रियोजाइमिन, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज, किसको रिलीज करने के लिए, बाइल को, और वो क्या करवाता है इमल्सिफिकेशन करवाता है फैट का, ठीक है। और फैट के इमल्सिफिकेशन का मतलब ये, इतेंद्र सर इनको बच्चों को थोड़ा सा बता दें, ट्राइग्लिसराइड जो फॉर्म होती है, ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म की क्या सरफेस टेंशन को कम किया जाता है, इसकी एक्शन होती है सॉल्ट की, बाइल सॉल्ट एक्ट करेंगे, सरफेस टेंशन कम होगी, जिसकी वजह से वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म में जो टूट जाती है। ये बड़ी ग्लोब्यूल है, इसको इमल्सिफाइंग एजेंट छोटे छोटे ग्लोब्यूल में चेंज कर देते। बिल्कुल ठीक बात है, सुनील जी ने जैसा बताया कि यहाँ पर सरफेस टेंशन ज्यादा है और सरफेस एरिया कम है, कम है, और जैसे ही बाइल सॉल्ट वर्क करेंगे तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ये चीज़ है। बिल्कुल। अब अच्छा, अब इसके ऊपर क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब इसके ऊपर एक्ट कौन करेगा, लाइपेज। और लाइपेज एक्ट करते फिर इसको वही आपका फैटी एसिड और डीएजी एमजी वगैरह मिशेल फॉर्म बन जाती है यहां पर, वो मिशेल बन जाता है। और मिशेल फॉर्म वो है जो ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन से कहां पहुंचती है, इंटेस्टाइनल वॉल में पहुंचती है, ठीक है, और वहां पर फिर काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होता है, या मैं बोलूं कि रीफॉर्मेशन होता है। चले आगे, 49 हो जाएगा। स्वेलोविंग HA कैसा प्रोसेस है, निकल रहा है तो वॉलेंटरी है, ये वॉलेंटरी है, स्केलेटल मसल्स है। बिल्कुल तो निकल रहा है, लेकिन ये निकलने के प्रोसेस के दौरान यतिंद्र सर इसमें अपन जब फेरिंग्स में इसको पहुंचा रहे हैं तो टंग का ऊपर उठना, मिडिल पार्ट ऑफ टंग तो ऊपर उठता है, जो कि अपने बकल कैविटी जो है उसको अलाउ नहीं करता कि और फूड आप अंदर लो, ठीक है। और इसी प्रकार जो सॉफ्ट पैलेट है ये इंटरनल लेयर्स को क्लोज कर देता है जी। तो ये तो वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन इसके बाद जब फेरिंग से ये ईसोफेगस में पहुंचा है तो उस दौरान ये कैसी इनवॉलेंट्री एक्शन बन जाती है, तो मिक्सअप हो जाता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। इनिशियली वॉलेंट्री कैसे, इनिशियली वॉलेंट्री और उसके बाद में ये कैसी होगी, इनवॉलेंट्री बन जाती है, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, वो फिर जो आपकी स्मूथ मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल, तो ये मिक्सअप कहला गया, दोनों का मिक्सअप क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। इसका मतलब स्वेलोइंग कैसा एक्शन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, और दैट अकर्स इन कहां होता है, फेरिंग्स में होता है। इट इंक्लूड द क्लोजिंग ऑफ नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स को कौन क्लोज करता है, सॉफ्ट पैलेट क्लोज कर देता है। बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम आपके सामने यतिन सर ने बना दिया है। तो ये जो इंटरनल एस्टिल है ना, हाँ ये वाला, तो ये यूवला जिसको अपन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही फूड को इंटेक किया तो ये फूड ऊपर ना जाए, तो ये वाला फूड को पुश करेगा यूवला को, ठीक है, ये इसको क्लोज कर देगा, ये क्लोज कर देगा इसको, ये इसको क्लोज कर देगा, ओके, जिससे फूड जो नीचे की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे दो ओपनिंग है, एक तो ट्रेकिया की ग्लॉटिस जिसको एपिग्लॉटिस क्लोज कर देगा, ठीक है, और ये जो फूड है वो गलेट से इसोफेगस में आ जाएगा। तो आप ये भी याद रखना कि नेक रीजन में अगर फ्रंट में अगर पूछे तो फिर कौन सी ओपनिंग है, ट्रेकियल ओपनिंग कहलाएगी, ग्लॉटिस कहलाएगी, और पीछे वाली कौन सी कहलाएगी, गलेट कहलाती है। गलेट इज ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन फेरिंग्स रीजन, ठीक है। तो चले आगे, 50 जी सर। इन इन्फेंट में भी फीडिंग इफ इन्फेंट में भी फीडिंग एंटायरली ऑन मदर मिल्क, की बच्चे को है ना एंटायरली माँ का दूध ही पिलाया जाए, ठीक है, और कुछ उसको ऊपर से कुछ नहीं खिलाया जाए, okay. फिर भी उसका जो एक्सक्रीट है वो येलो कलर का है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, तो फिर वो येलो कलर कहाँ से आ गया? तो इस रेस्पेक्ट में अगर थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लें कि 120 दिन तक आरबीसी वर्क करती है, उसके बाद में उसका डिस्ट्रक्शन होता है लिवर और स्प्लेन की मैक्रोफेज में। बिल्कुल, और वहां पर डिस्ट्रक्शन से हीमोग्लोबिन वगैरह अलग हो जाता है, वो भी प्रोसेस होता है, तो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन एमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है, और जो हीम है वो उससे आयरन वगैरह अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, पिगमेंट बनते हैं बिलिरुबिन और बिलीर्डिन। वो पिगमेंट जो है, जैसे बिली रूबिन की अगर बात करें तो ये पिगमेंट येलो कलर का होता है, और ये फिर मूव करके लीवर के पास आता है, और लीवर बाइल जो रिलीज कर रहा है उसके साथ में ये इंटेस्टाइन में आ जाता है। बस इनका कलर आपको याद रख लेना, बिली रूबिन का कलर ये तीन सर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाता है, और ये कुछ ग्रीन कह सकते हैं, ये ग्रीन हो जाता है,
ठीक है। फिर ये लिवर के पास आते हैं, लिवर बाइल के थ्रू इनको पिगमेंट्स को इंटेस्टाइन में डंप करता है। बिल्कुल। तो इंटेस्टाइन से वो फिर लार्ज में जाएंगे तो जो एक्सक्रीट है उसको येलो कलर प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि फिकल जो मैटर है उस फिकल मैटर का ब्राउन कलर किसकी वजह से, वो यूरोबिलिनोजन ही कहलाएगा। ठीक है। और यहाँ पर येलो कलर के लिए बोला है तो येलो कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बिलिरुबिन हो जाएगा। तो फिर क्या बोल देंगे, बिलिरुबिन की ही ऑक्सीडेटिव फॉर्म क्या कहलाती है, बिलिरुबिन कहलाती है। ये जो है सुनील जी एक्सक्रीटा को भी येलो कलर दे रहा है, यूरोक्रोम यूरिन को भी दे रहा है। बिल्कुल। और हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसको भी पेल येलो कलर करवा रहे हैं, यही इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों ये आज का 50 क्वेश्चन का एक हेल्दी डिस्कशन था। वो भी है। ये एक्चुअल में ऐसे ही होता है, हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं हम दोनों की है ना, हमें पता ही नहीं लग पाता कि आपके साथ सवा घंटा हमने बिता दिया है क्या। तो नो डाउट काफी मजा आया, आप भी काफी एंजॉय करें इसको, टॉपिक को कंसेप्चुअली पढ़ना जरूरी है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी एक टीचर बनकर तो पढ़ के देखो। आप एनसीईआरटी की केवल रीडिंग मत लगाओ, आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो उस पैराग्राफ, आप जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर पढ़ना है आपको, अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम से आपने एग्जामिनर बनकर खुद से अगर 60 क्वेश्चन नहीं बनाए ना 60 क्वेश्चन, तो ये मानकर चलो आपका पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। तो कंसेप्चुअली पढ़े, अच्छे से तैयारी करते रहें और अगले में भी आप यही तीनों टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी डाइजेशन का ही अगला पार्ट और करवाएंगे, फिर दो पार्ट रेस्पिरेशन के करवाएंगे, दो पार्ट आपको सर्कुलेशन के करवाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ गया ना। हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ गया, आपके पास नोट्स है और एनसीईआरटी तो मस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके थैंक यू।